कनाडा के युवा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत दौरे का आज चौथा दिन है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कनेडियन प्रधानमंत्री के स्वागत में वो गर्मजोशी नहीं दिखी जो आमतौर पर देखने को मिलती है। अब कनाडा के पीएम के ठंडे स्वागत पर सवाल उठने लगे हैं। कनाडा के पीएम के फीके स्वागत की वजह क्या है? सत्रह फरवरी को जब कनाडा के पीएम ट्रूडो अपने पहले भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे, तो कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को उनके स्वागत के लिए भेजा गया। इसके बाद 46 साल के ट्रूडो पत्नी और तीन बच्चों के साथ ताज नगरी आगरा भी पहुंचे, लेकिन ना तो सीएम योगी आदित्यनाथ और ना ही कोई बड़ा नेता उनके साथ रहा। कुछ ऐसी ही स्थिति ट्रूडो के अहमदाबाद दौरे की भी रही। वहां सीएम रूपानी स्वागत के लिए पहुंचे, लेकिन वो भी सिर्फ रस्म अदायगी के लिए। ट्रूडो महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम भी गए, लेकिन गर्मजोशी यहां भी नदारद रही। कनाडा के पीएम के फीके स्वागत की वजह क्या है? जस्टिन ट्रूडो के फीके स्वागत को लेकर अब कनाडा में सवाल उठने लगे हैं। कनाडा की मीडिया का मानना है कि जानबूझकर ट्रूडो को नजरअंदाज किया जा रहा है और उनका अपमान किया जा रहा है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि खालिस्तान के मुद्दे पर ट्रूडो का नजरिया भारत से अलग है, शायद इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इसके अलावा पिछले साल टोरंटो में कट्टरपंथी विचारधारा समर्थकों की खालसा डे परेड में भी ट्रूडो शामिल हुए थे। इस परेड में 1984 सिख विरोधी दंगे को भारत का नरसंहार बताने का प्रस्ताव रखने वाले नेता को सम्मानित भी किया गया था। इसके अलावा ट्रूडो कैबिनेट में भी खालिस्तान समर्थक मंत्री हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा सरकार की हमदर्दी पर अपनी नाराजगी जताने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ट्रूडो के फीके स्वागत पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इससे पहले पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, अबू धाबी के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा का एयरपोर्ट पर स्वागत कर चुके हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो कल अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का दौरा करने वाले हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का उनसे मिलने का कार्यक्रम तय हो गया है। कनाडा के पीएम का भले ही जोरदार स्वागत नहीं हो रहा हो, लेकिन भारत कनाडा का गहरा कनेक्शन है। कनाडा में भारतीय मूल के 12 लाख से अधिक लोग हैं। कनाडा की आबादी में करीब 3% भारतीय हैं। भारत कनाडा में करीब 6 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार है। भारतीय कंपनियों का कनाडा में निवेश 2 अरब डॉलर से ज्यादा का है। ट्रूडो कैबिनेट में 4 सिख मंत्री भी हैं। कनाडा के पीएम के ठंडे स्वागत को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार के सूत्र ऐसे किसी भी दावे का खंडन कर रहे हैं। वैसे पीएम मोदी से ट्रूडो की आधिकारिक मुलाकात 23 फरवरी को होनी है। दिल्ली से संवाददाता प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।